बजरंगे, धारी देवी में चढ़ावे की घंटियों की नीलामी पर बड़ा विवाद। भैरव सेना ने धारी देवी पहुंच जताया आक्रोश। सिद्धपीठ धारी देवी मंदिर में चढ़ावे की घंटियों की नीलामी को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। धारी देवी गांव के निवासियों के बाद अब भैरव सेना ने धारी देवी मंदिर पहुंच अपना विरोध दर्ज किया। आज धारी देवी मंदिर पहुंचे भैरव सेना से जुड़े हुए लोगों ने कहा कि मंदिर समिति लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। लोगों ने सच्ची आस्था के साथ धारी देवी मंदिर में घंटियां अर्पित की है, लेकिन अब समिति इन घंटियों के संरक्षण करने के बजाय इन घंटियों को नीलाम कर रही है। विदित हो कि धारी देवी मंदिर में करीब 60 क्विंटल घंटियां हैं, जिनको नीलाम करने के लिए मंदिर समिति ने समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित की थी, जिसके बाद से ही विवाद शुरू हो गया था और अब विवाद धीरे धीरे और उग्र होता जा रहा है, जिसके तहत भैरवी सेना ने भी यहाँ पहुँच अपना आक्रोश जताया। हमारी मांग यही है कि जो यहाँ पे इन्होंने निविदाएं निकाली हैं घंटियों को नीलाम करने की, हमारा मानना है कि उन घंटियों को नीलाम ना किया जाए, क्योंकि माँ धारी देवी में जब लोगों का श्रद्धा और आस्था थी और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई, तब जाके उन लोगों ने यहाँ पर घंटियाँ भेंट की है। और वो उन घंटियों के बजाय वहाँ पर कुछ दान पात्र में भी कुछ दक्षिणा डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने घंटियाँ इसलिए दान की ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियों को पता चल सके कि धारी देवी मंदिर में हमने मतलब दान किया है। तो इसका हम विरोध करते हैं और मंदिर प्रशासन, आज हमने शासन के माध्यम से बता दिया है कि अगर घंटियों को नीलाम करने की प्रक्रिया की गई तो भैरव सेना को सड़कों पर आना पड़ेगा। और उग्र आंदोलन के लिए तो भैरव सेना वैसे ही प्रसिद्ध है, देवस्थानम बोर्ड के लिए भी हमने लड़ाई लड़ी थी और माँ धारी देवी की अस्मिता के लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। जैसे कि ये रोकी नहीं गई है, देखिए भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हम संविधान के अनुसार अभी यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। यदि हमारे ज्ञापन पर इसमें कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम लोग सड़कों पर उतरने का हमारे पास जो है अभी रास्ता बाकी है, वो हम लोग करेंगे। थैंक यू। जैसे कि आप जानते हैं कि एक बार 2013 में मंदिर से छेड़छाड़ करने के बाद में चारों धाम पे जो आपदा आ गई थी, उसी तरह की ये भी एक घटना है। घटना क्या है कि बाद में ही घटती है ना, जैसे इन्होंने मंदिर यहाँ पर 2013 में मंदिर को उठाया था, उसी समय चारों धाम पे आपदा आ गई। इसी तरह यहाँ पर क्या है कि जो लोग अपने मन्नत पूरी होने के साथ में जो है यहाँ पर घंटे चढ़ाते हैं और उनकी आस्था से खिलवाड़ हो रहा है, ये मंदिर समिति का एक गलत निर्णय है। यहाँ पर बहुत जगह है, यहाँ पर मंदिर मेन हाईवे से लेकर यहाँ पर मंदिर पहुँचने में 1.5 किलोमीटर का रास्ता है। अगर मंदिर प्रशासन चाहे तो पूरे रास्ते में घंटियाँ लगा सकता है, दोनों तरफ घंटियाँ लगा सकता है, ये घंटियों की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन नहीं, मंदिर प्रशासन का मानना यह है वो उसको बेचने पर उतर आई है, लेकिन जो हम उसको करने नहीं देंगे। अगर ये ऐसा ही चलता रहा, अगर ये हमारी बात को नहीं माने तो हम अपने उत्तराखंड से जो हमारे अखाड़े हैं सारे अखाड़े यहाँ पर पहुँच जाएंगे और पूरा रास्ता जो हम जाम कर देंगे। अगर हमारी मान्यता को नहीं माना है ना, हमारी बात को नहीं माना है ना, अगर हमारी आस्था से खिलवाड़ किया तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, इसके अगेंस्ट हमने 22 तारीख को DM साहब पौड़ी और SSP पौड़ी और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट श्रीनगर तहसील में एक अपील दे रखी है कि भाई ये जो ऑक्शन है वो नहीं होना चाहिए। ये उसकी कॉपी है जो हमने दे रखी है, इस पर आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी फिर कॉपी कर लेंगे। तो ये इसी वजह से स्थगित हुई है। हम लोग ये चाहते हैं कि ये नीलामी जो हो रही है वो ना, ठीक है, बिकॉज ऑफ कि ये जो बेल्स है, घंटियाँ हैं, ये तब तक की तांबा धातु है जब तक कि पीतल की धातु है, जब तक ये दुकान में, ठीक है, जब ये कोई भी, चाहे मैं हूँ चाहे आप हूँ चाहे कोई भी हो, इन घंटियों को मंदिर में चढ़ाते हैं तो वो उसकी आस्था है, उसका माँ के ऊपर विश्वास है, उसकी श्रद्धा है। ठीक है, जैसा कि एक आदमी घंटी चढ़ा रहा है 1000 रुपये की, उसके अलावा वो 1000 रुपये वहाँ दान पेटी में भी बता सकते हैं, वो घंटी किस लिए चढ़ा रहा है, ताकि उसके आने वाली पीढ़ी उसको देखे, या इसलिए चढ़ा रहा है कि मंदिर समिति उसको नीलाम कर चढ़ती है। हम बार बार भक्तों से कहते हैं कि भाई इस मंदिर में मन्नत पूरी होने पर ही आप लोग घंटी चढ़ाएं, ताकि हमें भी पता चल पाए कि भाई माँ ने इस साल कितने लोगों की मन्नत पूरी की। लेकिन अब वर्तमान में क्या हो गया, तमाम दुकानें हैं, बाहर से कोई व्यक्ति आता है वो पूछता है कि धारी देवी में क्या क्या चढ़ता है, तो वैसे कि घंटियां भी चढ़ती, घंटियां केवल माँ में आपने मन्नत मांगी, यदि वो पूरी हो जाती है तो माँ कहते हैं भक्त लोग कि माँ में मन्नत पूरी हो जाए मैं घंटी चढ़ाऊंगा। अब स्थिति ये हो गई है कि प्रतिदिन घंटियों की मात्रा में वृद्धि हो रही है, तो ये पहले बार ऑक्शन नहीं हुआ है, ये 2010 में भी ऑक्शन हुआ है, 2016 में भी ऑक्शन हुआ है, जब मात्रा में बढ़ जाती है
हमारे पास टांगने की जब कोई जगह नहीं होती है, तब ऐसी स्थिति में भक्तों के द्वारा चढ़ाई गई घंटी विधिवत समाचार पत्रों में सूचना निकाल करके कि भाई हम इन घंटियों को जो टूट गई हैं, धुएं के कारण काली पड़ गई हैं, बरसात से खराब हो गई हैं, उनको मंदिर हित और जनहित के कार्यों में उनसे जो निधि प्राप्त होगी वो इस कार्यों में लगाई जाएगी। विधिवत उसकी हम निविदा निकालते हैं। जब पहले कम मात्रा में होती थी तो एक प्रकार से बोली बोल दी, जिसने ज़्यादा बोल दी उसको दे दी, लेकिन अब धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है, इस समय वर्तमान में हमारे पास 60 क्विंटल से ज़्यादा घंटियाँ। अभी धारी देवी मंदिर समिति के द्वारा जो श्रद्धालुओं के द्वारा जो घंटी चढ़ाई जाती है, काफ़ी समय बाद जो है इसकी नीलामी की प्रक्रिया होती है इन्हीं घंटियों की, तो आज ये भैरव सेना जो आई है वो इसी के विरोध में आई है कि इन घंटियों को नीलाम न किया जाए। ये श्रद्धा से या श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसके इनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसके ऊपर जो है मंदिर समिति ने एवं प्रशासन ने जो है विचार कर